गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश में 15 महीने की अपनी सरकार में आदिवासियों के हित के लिए एक भी काम नहीं करने वाली कांग्रेस आज आदिवासियों के नाम पर केवल घड़ियाली आंसू बहा रही है। भाजपा सरकार आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पित है। कांग्रेस के जैसे अभी तक के अभियानों का हश्र हुआ है, वही इस अभियान का हश्र होगा। हमारे जनजाति भाई लोग जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सब लोग आके उनके उत्थान के लिए काम किए हैं। और इनने 15 महीने में एक काम किया हो तो बताएं, ये घड़ियालू आंसुओं में क्रोकोडाइल टीयर है।